है, काफी लोगों को कोऑर्डिनेट पे प्रॉब्लम आती है, इट इज ओके। कैलकुलस एक बिल्कुल स्टार्टिंग न्यू न्यू थिंग रहेगी जिसमें कैलकुलस में कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं। हमने कहां तक देखा था? हमने एरिया भी देख लिया था रेक्टेंगल, मतलब उसका आई थिंक टेंजेंट की इक्वेशन से देखना था ना। टेंजेंट की इक्वेशन से देखना था ना, यस। तो पहला फॉर्म, सबसे सीधा सीधा फॉर्म, t इज इक्वल टू जीरो। व्हाट डू मीन बाय t इज इक्वल टू जीरो? सबसे x x1 by a square plus y y1 by b square is equal to 1, ठीक है। जब यही यही चीज x की जगह a cos theta comma b sin theta हो जाता है तो x by a cos theta plus y by b sin theta is equal to 1, ठीक है। दूसरा केस, s s1 is equal to t square, ये किसकी इक्वेशन है? What is the equation? What kind of equation is this? ये है pair of tangents की, ठीक है। और obviously tangent में एक और चीज होती है जो मैंने miss कर दूँ, y is equal to mx plus minus root of a square m square plus b square, ठीक है। ये कौन सा equation है? Of slope m, अगर m slope हुआ, अगर एक टेंजेंट का स्लोप m हुआ तो मैं उसकी इक्वेशन लिख सकता हूं यूजिंग दिस, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन करें, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। हाँ, स्पेशल फॉर्म का भी करेंगे साहिल, डोंट वरी। ड्रॉन फ्रॉम 2, 3 टू इलिप्स 9x² 144। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम 2, 3 टू दिस पर्टिकुलर इलिप्स 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 144, ठीक है। करो, जल्दी से करो, जो भी आती है उसका आंसर दो। कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या यूज हो रहा होगा इस क्वेश्चन के लिए? जो ऊपर वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड दिख रहा है, मतलब एक्चुअली वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे लिखा नहीं होना चाहिए, बट हाँ, यस, थर्ड लगेगा। थर्ड स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस, इसका a और b क्या है, शायद 16, a स्क्वायर b स्क्वायर 16, m स्क्वायर प्लस 9, am I correct? अब इसमें सीधे सीधे 2, 3 डाल दो तो 3 इज इक्वल टू 2m प्लस माइनस 16 m स्क्वायर प्लस 9। जब ओपन करो एक साथ ले चलोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू जीरो। तो इससे m की दो वैल्यू निकलेगी, एक m की वैल्यू निकलेगी 0, m इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी -1, ठीक है। क्या यूज किया है मैंने? स्लोप फॉर्म यूज किया, उसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जैसे ही मैंने स्लोप फॉर्म में पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, इट बिकम्स
वेरी क्लियर कि द ओनली वेरिएबल विच इज मिसिंग इज m. मेरे m निकलने के बाद आई विल यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट कौन सा? ये पॉइंट मुझे पता है और स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म करेंगे तो एक आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 और दूसरा आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5. क्लियर? आगे करें. x plus y is equal to 5 and y is equal to 3. These are the answer. ठीक है. If line 3x plus 4y is equal to root 7, touches 3x square plus 4y square is equal to 1, find point of कॉन्टैक्ट. अगर दिस पर्टिकुलर लाइन, ये शायद हो गया था, कर लिया था हमने कंपेयर करके. यस, ग्रेट, ठीक है. तो नेक्स्ट कर रहे हैं. एन एलिप्स पासेस थ्रू 4, -1 and touches line x plus 4y minus 10 is equal to 0. Find its equation if its axis coincide with coordinate axis. An ellipse passes through 4, -1 and touches the line x plus 4y minus 10 is equal to 0. X plus 4y minus 10 is equal to 0. Find its equation if its axis coincide with coordinate axis. Karo isko. कैलकुलस में मैं कुछ अलग करने वाला हूं, सोच रखा हूं कैलकुलस के लिए कुछ अलग करूं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा काफी चीजें. हम थोड़ा सा इवॉल्व करना चाह रहे हैं जिसमें और अच्छा हो. अभी तक कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी ऑनलाइन होने की वजह से, अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस खुल रही हैं. सो होपफुली कैलकुलस और अच्छा होगा आप लोगों का. ठीक है, आंसर बताओ इसका. क्वेश्चन सब लोगों ने लिख लिया, आंसर बताओ.
ठीक है, करे निकला किसी का आंसर? ओके, वेट वेट कर रहे हैं, आई एम वेटिंग। आ रहे आ रहे हैं। ओके अश्वत, एनीवन एल्स? ओके, बाकी लोग भी आंसर दो। सोहम अश्वत, इज दिस द ओनली आंसर कि कुछ और भी हो सकता है? एक ही एलिप्स आएगा। ओके, करते हैं। किसी भी इलिप्स में जिसकी जिसके एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोइंसाइड करते हैं, वो इलिप्स क्या होगा? इंपॉर्टेंट है ये दिया रहना, क्योंकि अगर ये नहीं दिया रहेगा तो मैं नहीं निकाल सकता। अब इट पासेस थ्रू 4, -1, तो मेरा मतलब ये है कि अगर If it passes through 4, -1, तो 4, -1 will satisfy this ना, 16/a² + 1/b² = 1। तो I think a² + 16b² = a² b² ये एक इक्वेशन बनेगी। Will we get this equation? Yes। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, मेरा जो टेंजेंट लिखा है उसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लूं। y = -1/4x, ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आई वुड लाइक टू कंपेयर दिस टेंजेंट विद द स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट विच सेज y = mx + √। ठीक है, मुझको a एंड b तो नहीं पता, लेकिन मुझको m पता है। तो अगर m -1/4 हुआ तो 5/2 = +√। m 1/4 है ना, तो a² / 16 + b² तो इससे भी एक a² b² में एक रिलेशन मिल जाएगा, शायद मिलेगा a² + 16b² = 100। ठीक है, तो डू आई हैव टू इक्वेशन?
इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, हाउ मेनी वेरिएबल्स डू आई हैव? टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशंस. क्या ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने में कोई इश्यू होना चाहिए? तो ए एंड बी निकलेंगे, दो वैल्यूज आएंगी. दोनों साइड 16, तो यहां से मुझको ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिख रहा है. ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर मुझे 100 दिख रहा है. तो ए बी की वैल्यू क्या बनी? क्या ए बी की वैल्यू प्लस माइनस 10 बनी? क्या ए बी की वैल्यू प्लस माइनस 10 बनी? एनीवन, एबी की वैल्यू प्लस माइनस 10 बनी? नो, एबी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 10 बनेगी. क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों मेरा पॉजिटिव होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट एलिप्स, एलिप्स है, ए और बी मेरा पॉजिटिव होता है एलिप्स में. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ना, और ए और बी मेरे पॉजिटिव होते हैं. तो किसी से भी इससे बी की वैल्यू यहां निकाल दोगे तो ए की दो वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू 10 बाई, इससे ए की वैल्यू आ जाएगी, शायद ए की दो दो वैल्यू निकलती हैं, ए की 4√5 एंड 2√5. ठीक है, एक मिनट होल्ड करना. ठीक है, क्लैरिटी हुई इसमें? ठीक है, तो उससे मेरे ए की वैल्यू दो निकल जाएगी. जैसे ही ए की दो वैल्यू निकल जाएगी वैसे ही मैं बी की वैल्यू निकाल दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दू. एक और क्वेश्चन देता हूं. जैसे ही इलिप्स के क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही, जैसे इलिप्स के क्वेश्चन होते हैं वैसे ही हाइपरबोला के भी क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑन इलिप्स 16x² प्लस 2 and circle touch. Find point on the ellipse this where the common tangent to it and the circle touch. ठीक है, करो. मुझे वो कॉमन पॉइंट निकालना है, सॉरी, मुझे वो पॉइंट निकालना है जहां का टेंजेंट वुड बी द कॉमन टेंजेंट बिटवीन द एलिप्स एंड द सर्कल. निकालो, मुझको आंसर चाहिए, इसका फाइनल आंसर चाहिए. ठीक है, 5 मिनट दूंगा. 3 मिनट का क्वेश्चन होता है जनरली, 2 से 3 मिनट का. जेई मेन का क्वेश्चन आता है तो 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन होता है. आई विल गिव यू 5 मिनट्स.
आंसर दो, फाइनल आंसर दो सब लोग, जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक नहीं आएगा। हाँ आंसर आया तो बताओ। थोड़ा सा अजीब सा आंसर आएगा बट सही आंसर आना चाहिए। आंसर बताओ। अश्वत्थ करेक्ट है और अभी तक किसी का करेक्ट नहीं है। अश्वत्थ करेक्ट है, बाकी लोग भी आंसर निकालो। बाकी लोग निकालो निकालो, एक मिनट और है। करते हैं करें। देखो सबसे पहले मुझको पॉइंट निकालना है तो मैंने पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। इस एलिप्स पर पॉइंट कैसे एज्यूम होगा, किस फॉर्म में कभी भी पॉइंट एज्यूम करते हो? किस पॉइंट में एज्यूम करते हो? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो इसका ए कॉस थीटा क्या है, ए शत 4 है, 4 कॉस थीटा। बी है 16/√11। Now this, इसके ऊपर जो tangent होनी चाहिए that should be the common tangent between this and this, यानी इसके ऊपर tangent क्या होती होगी, x by 4 cos theta plus y by 16/√11 sin theta is equal to 1। क्या सबको ये समझ में आता है, this यही मेरी अपनी common tangent होनी चाहिए, this should be my common tangent, ठीक है। अच्छा एक लाइन अगर एक सर्कल पे टेंजेंट होती है तो वो कैसे चेक किया जाता है, हाउ डू यू चेक की वेदर अ लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल, व्हाट यू डू, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द लाइन शुड बी इक्वल टू रेडियस। तो
तो मुझे दूसरे सर्कल के बारे में अगर मैंने थोड़ा सा पता किया तो उसका सेंटर, इसका सेंटर है 1, 0, एम आई करेक्ट, और रेडियस है 4, ठीक है। तो 1, 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉलो फॉर्मूला, कॉस थीटा बाई 4 माइनस 1 अपॉन cos square theta by 16 plus 11 sin square theta by 256 is equal to 1. Square करके rearrange करोगे, cos theta में एक quadratic बनेगी, cos theta में एक quadratic बनेगी, जिससे cos theta की value आएगी शायद half. अगर cos theta half है तो theta क्या हो सकता है? cos थीटा हाफ है तो थीटा क्या हो सकता है? थीटा कैन कैन बी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला हो सकता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस पाई बाई माइनस 180 से प्लस 180 भी जा सकता है, ठीक है। एक वो वाला सर्कल होता है, पूरा एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 3, फिर थीटा मुझको पता चल गया तो मुझको पॉइंट्स मिल जाएंगे, करेक्ट। एवरीवन क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। पॉइंट्स आते हैं 2, आंसर आता है 2, प्लस माइनस ठीक है, सबको यहां तक क्लियर हो गया? आगे करें। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? डू यू नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एग्री? ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ लोग इसे ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिखते हैं। यहां पे एक्स वन की जगह ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पुट कर दिया, तो ए एक्स बाय कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट? एम आई करेक्ट? ठीक है, तो ये पॉइंट का नॉर्मल होता है। अगर किसी भी पॉइंट का नॉर्मल देखना है तो ये होता है। तो मैं क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन दूं, अ नॉर्मल टू x square by 64 plus y square by 49 is equal to 1 intersects the major
एंड माइनर एक्सेस एट पी एंड क्यू. Respectively. Find the E. या चलो E हटा दे रहा हूं, थोड़ा क्वेश्चन इजी रख रहा हूं. Find the locus of point dividing segment PQ in ratio 2:1. मेरी आवाज स्लो हो गई है क्या? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, ग्रेट. ठीक है. अ नॉर्मल टू दिस इंटरसेक्ट द मेजर एंड माइनर एक्सिस एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली. फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो 2:1. बेसिकली एग्जाम में ये पूछा जा सकता था कि ये लोकस पैराबोला होगा, सर्कल होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, या जो भी ये कोनिक बनेगा उसकी सेंट्रिसिटी क्या हो सकती है. वो मतलब क्वेश्चन को और लेंथी करना या और उसमें कुछ पूछने का ट्रेंड है. यहाँ पे मैंने सीधे सीधे लोकस पूछ लिया. ठीक है, यू हैव टू ठीक है. आयुष जाके ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बेटा, डोंट वरी. करो एवरीवन, डू इट. एक मिनट दो मुझको करता. आया? हाँ सो करेक्ट है. बाकी लोग सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो. क्या सब लोग नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं एट पॉइंट थीटा? कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट थीटा? ए एक्स, क्वेश्चन का ए क्या है? क्वेश्चन का ए एट है और बी 7 है. 8x बाय कॉस थीटा माइनस 7y बाय sin theta is equal to a square minus b square. 64 minus 49 कितना बनेगा? 15. करेक्ट लिखा है?
तो अगर ये किस पॉइंट पे, अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वो पॉइंट क्या होगा? पी वाई जीरो होता है ना, जीरो वाई जीरो डाल दिया तो एक्स एक्सिस पे 15 cos थीटा बाई 8। सिमिलरली क्यू जीरो कॉमा माइनस 15 sin थीटा बाई 7। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब इन्हीं को तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैं नया पॉइंट एच कॉमा के निकाल लूंगा। एच कॉमा के कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला से। तो शायद एच की वैल्यू आएगी 15 cos थीटा बाई 8 बाई 3 और के की वैल्यू आएगी माइनस 30 sin थीटा बाई 7 बाई 3। तो इन द एंड मैं cos थीटा और sin थीटा निकाल के, शायद cos थीटा आएगा 24h बाई 15 3 3 कट हो जाएगा ना, 8h by 5 और sin थीटा क्या आएगा -7k by 10। बस cos square theta by sin square theta जैसे ही हम करेंगे मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, is everyone clear? क्या सब लोग क्लियर हो गया? क्या तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा हुआ। मैंने क्या यूज किया? मैंने सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली, फिर उसको एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट्स निकाल लिए, फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, इन द एंड क्या बनेगा? ये एक एलिप्स बनेगा। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो भी कोनिक बन रहा है उसकी सेंट्रिसिटी बताओ। ठीक है, नेक्स्ट करें। Next question. Find the locus of a point which is such that chord of contact of tangent drawn from it forms a triangle of constant area with coordinate x. Question de raha. Find locus of point which is such that TOC, chord of contact from it, chord of contact from it, TOC of tangents drawn from it to ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 forms a triangle of constant area with coordinate एक्सिस। चलो कॉन्स्टेंट एरिया भी बता दें। बट द कॉन्स्टेंट एरिया भी 1 या कॉन्स्टेंट एरिया तुम सी भी ले सकते हो, कुछ भी अपना कॉन्स्टेंट एरिया मान के भी कर सकते हो। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा दिस इज द कॉन्स्टेंट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, करो
find the locus of a point which is such that chord of contact of tangents drawn from it to this particular ellipse forms a triangle of constant area 1 with the coordinate axis. निकालो बताओ या ये बताओ कि जो लोकस बनेगा वो किस तरह का लोकस बनेगा, व्हाट काइंड ऑफ लोकस वुड दैट बी। Yes, it is a rectangular hyperbola. It is a rectangular hyperbola. XY is equal to a square b square by 2. काफी लोगों का करेक्ट आंसर आया है। XY is equal to a square b square by 2. कैसे होगा वही चीज, मैं t इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जो मैं COC लेता हूं वो t इज इक्वल टू जीरो लिखता हूं, तो xx1 या hk के रेस्पेक्ट में, अगर hk के रेस्पेक्ट में मैं t देखूंगा तो xh बाई ए स्क्वायर प्लस yk बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जो मेरे पॉइंट्स मिलेंगे कौन से पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले पॉइंट्स। अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी देखूं, मान लो ये सी ओ सी है, तो ए एंड बी, मेरा ए पॉइंट वुड बी ए स्क्वायर बाई एच कॉमा जीरो, पॉइंट बी वुड बी जीरो कॉमा बी स्क्वायर बाई के। तो यहां से मैं एरिया का फॉर्मूला लगा के, हाफ ए बी का फॉर्मूला लगा के, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के, मुझको ये दिख जाएगा कि हाफ ए स्क्वायर बाई एच इंटू बी स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू 1। व्हाट इज 1? दिस इज द एरिया। तो मुझको ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एच के दिख जा रहा है।
Is everyone correct? नेक्स्ट करें तो यहां पे मैंने टी इज इक्वल टू जीरो लिखा है क्योंकि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन टी इज इक्वल टू जीरो होती है. कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट की इक्वेशन टी इज इक्वल टू एस वन होती है. एक और क्वेश्चन करेंगे. मैं काफी क्वेश्चन आप लोगों को इलिप्स में करा दे रहा हूं इस पोर्शन का जिसमें मुझे हाइपरबोला में इस पोर्शन के क्वेश्चन कराने की जरूरत ना पड़े क्योंकि जो इलिप्स का पोर्शन होगा इसमें वही चीज हाइपरबोला में भी ऑलमोस्ट रिपीट होगी. टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम थ्री कॉमा टू टू इलिप्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर. फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन. Find equation of एक मिनट होल्ड करना. Find equation of there find the tangents are drawn from this to this. Find the middle point of COC. Tangents are drawn from 3, 2 to this. Find the middle point of chord of contact. Karo, nikalo. Answer do. Middle point aayega obviously. Answer do. पॉइंट निकालो. पॉइंट दोगे सब लोग मुझको वो पॉइंट दोगे जो मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है. हाँ सो बात है करेक्ट है. बाकी लोग भी आंसर दो. पॉइंट निकाल के दो मुझको.
आंसर दो, अब तक आ जाना चाहिए था आंसर, टाइम नहीं लेना चाहिए। ओके, तो देखो दो तरह से कर सकते हैं, एक कंपैरिजन वाली चीज है, लेट द पॉइंट बी एच कॉमा के, लेट द मिड पॉइंट बी एच कॉमा के, ठीक है। तो दो तरह से, अगर मैं 3.2 के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देखू, 3.2 के लिए, 3.2 के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देखो, तो वो t इज इक्वल टू 0 से मिलेगा, विच कम्स आउट टू बी आई थिंक 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 9, करेक्ट। अगर मैं एच कॉमा के को मिडिल पॉइंट एज्यूम करता हूं, तो जो कॉर्ड मिलेगी वो t इज इक्वल टू s1 से मिलेगी, एक्स एच बाई 9 प्लस के वाई बाई 9 बाई 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 9 प्लस के स्क्वायर बाई 9 बाई 4। एवरीवन, ये चीज समझ में आई? सबको ये चीज समझ में आ गई? यस, ठीक है। अब क्या करोगे, कंपेयर करोगे, जो हम बहुत बार कर चुके हैं। कैसे कंपेयर, जो इसका एक्स मतलब एच बाई 9 बाई 3 इज इक्वल टू के बाई 9 बाई 4 बाई 8 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 9 प्लस के स्क्वायर बाई 9 बाई 4 बाई 9, करेक्ट। 9 बहुत ज्यादा हो गया क्या? एक 999 कैंसिल भी होता हुआ दिख रहा है शायद। यस, बहुत ज्यादा 9 दिख रहा है यहाँ पे, 999 कैंसिल भी कर सकते थे, ठीक है। तो वो एक्चुअली यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल कर दो, ठीक है। Got it? तो ये सारी चीजें बेसिक्स हो गई। मतलब बेसिक्स क्या, मोस्टली इलिप्स में, हाइपरबोला में, पैराबोला के बाद इलिप्स हाइपरबोला में, जेई मेंस में रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। अब मैं कुछ हाइपरबोला भी देख लिया जाए कुछ देर के लिए। पॉइंट जो आता है वो मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, पॉइंट कम्स आउट टू बी आई थिंक 27/25, 18/25, दिस इज द पॉइंट विच कम्स आउट। करेक्ट, देख लो, बताओ इज दिस करेक्ट? ग्रेट, आगे बढ़े। हाइपरबोला पे आते हैं, तो हाइपरबोला में इवन दो काफी चीजें सेम होती हैं, बट कुछ दो तीन नए कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, कुछ चीजें अलग हो जाती है। सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर is equal to minus 1. Am I correct? अब ये यहाँ पे a and b में कोई relation matter नहीं करता। a b से बड़ा हो सकता है, b a से बड़ा हो सकता है। Just that एक hyperbola this form का होगा और दूसरा वाला इस form का रहेगा। e की value का formula is equal to root of 1 plus b square by a square, ठीक है। e का formula always remains same, ठीक है।
प्लस वाला केस है, तो इसी वजह से a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन a से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक माइन्यूट सी चीज है इसमें, इसमें इनसाइड पोर्शन आउटसाइड पोर्शन क्या है उसमें लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, राइट? बस इसमें यह होता है कि आउटसाइड के लिए S1 less than 0 होता है, यहां पे S1 equal to 0 और इनसाइड के लिए S1 greater than 0, ठीक है? तो ये चेंजेस आप लोगों को पता होने चाहिए। क्लियर सबको, ये चीज क्लियर है यहां तक? इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? ऑब्वियसली स्पेशल फॉर्म क्या होगा, x माइनस h का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y माइनस b का होल स्क्वायर बाई k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स फोकस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, वो डेफिनेशन सारी की सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूं। ए कॉमा जीरो ए बाई ई, डू आई नीड टू टेल दिस? फोकस इधर होगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, क्वेश्चन डू एक फाइंड द लैटिस रेक्टम Find the lattice rectum and E of hyperbola 9x square minus 16y square minus 72x plus 96y minus 144 is equal to 0. Find the lattice rectum and eccentricity of this. करो, आंसर दो सब लोग। आंसर बताओगे, एलआर और इसेंट्रिसिटी बताओगे, एलआर की वैल्यू बताओगे और इसेंट्रिसिटी क्या आती है वो बताओगे। इसेंट्रिसिटी बता दोगे तब भी मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है? एलआर का फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाई a होता है। Yes, 5/4 is eccentricity. 9x square minus 72x. एक मिनट देना मुझको।
हाँ, 9x² - 22x - 16y² + 96y = 144 करेंगे। ऑब्वियसली क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो तुम्हें 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे शायद 8 बचेगा कितना बचेगा, 9 कॉमन लेने के बाद 8 बचेगा, 8 का मतलब 4, तो प्लस 16, या एक स्टेप और कर दे, 9x² - 8x + 16 करेंगे, माइनस यहाँ पे 16 कॉमन ले लेंगे, तो y² - 6y + 9 करेंगे, तो उधर जो ऐड होगा 144 + 9 × 16 - 16 × 9, तो रहेगा तो वही ना, आई गेस सही लिखा है, प्लस माइनस कुछ गड़बड़ की है, नहीं सही लिखा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9x - 4² - 16y - 3² = 144। 144 को डिवाइड कर देंगे तो x - 4² / यहाँ पे 16 आएगा, y - 3² / 9 आएगा = 1, ठीक है, = 1 है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, मुझे a और b की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है, रेस्ट एवरीथिंग आई कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस, ठीक है। आगे बढ़े, यस, LR 9/2 आता है, लैटिस रेक्टम 9/2 आता है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड हाइपरबोला, मतलब बेसिकली भाई टेंजेंसी वाली कंडीशन, इसमें टेंजेंसी के लिए क्या होगा, स्लोप किस फॉर्म में टेंजेंट होगा, y = mx + √a² m² - b², यहाँ पे वो माइनस बी स्क्वायर में चला जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे रूट के अंदर a² m² - b² है, तो एक कंडीशन आ जाती है कि हर एक स्लोप का टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब जीरो स्लोप का टेंजेंट एग्जिस्ट करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, कैन यू सी, तो टेंजेंसी एग्जिस्ट करने के लिए, एक मिनट, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, हाँ कुछ बताइए नहीं तो कहां से क्लियर होगा, ठीक है, एक मिनट फिर, सॉरी, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि a² m² - b² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी तो एग्जिस्ट करेगा ना, यानी m² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b² / a², और ये स्क्वायर में है, तो इसका मतलब अगर मैं एक नॉर्मल उसके लिए देखूं तो जब ये इक्वल टू होगा तो वो एसिम्प्टोट्स बनेंगे, कब, जब m की वैल्यू +/-b/a बनेगी, देन इट वुड बी एसिम्प्टोट्स, उससे ऊपर का स्लोप होगा पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड, ठीक है, तो टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे नीचे का स्लोप होगा, मतलब ये जो डॉटेड लाइन है इससे थोड़ा सा टिल्टेड होगा, तो कभी भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं जाके हाइपरबोला पे कट करेंगे, तो इस तरह से उसके एसिम्प्टोट्स निकाले जाते हैं, मतलब एसिम्प्टोट्स का मतलब टेंजेंट एट इंफिनिटी,
टेंजेंट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो सीधे सीधे स्लोप मुझको m दिख जा रहा है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई a, ऑब्वियसली एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो जो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन बनती है वो भी आप लोगों को पता होगी, x बाई ए प्लस एग्री। अच्छा, इसके ऊपर कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट क्या माना जाता है, व्हाट इज द पैरामेट्रिक पॉइंट विच वी एज्यूम, ए sec थीटा कॉमा बी tan थीटा। यहां पे सेकेंड tan में माना जाता है, क्यों? सेकेंड tan में माना जाता है क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। माइनस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी सेटिस्फाई करती है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। कुछ लोग cosec माइनस cot भी ले सकते हैं, वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, मतलब tan a tan थीटा b sec थीटा। इन द एंड कभी भी तुमसे sec थीटा tan थीटा नहीं पूछा जाता, पॉइंट पूछा जाता है। तो तुमने जो भी अज्यूम किया है इन द एंड तुम्हारा आंसर सही आएगा। t इज इक्वल टू जीरो टेंजेंट की इक्वेशन होगी ऑब्वियसली, तो अगर उसको उस फॉर्म में देखेंगे तो x बाई ए sec थीटा माइनस y बाई बी tan थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। और ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू एस वन, यही सारी होगी। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, if it is possible to draw tangent to hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1 having slope 2, then find its range of eccentricity. If it is possible to draw tangent to hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1 having slope 2, then find its range of eccentricity. मुझको इसेंट्रिसिटी की रेंज बताओ। बोला गया है इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ टेंजेंट ऑफ स्लोप टू ऑन दिस पर्टिकुलर हाइपरबोला देन टेल मी द रेंज ऑफ इसेंट्रिसिटी, बताओ। आंसर लाओ जरा।
आंसर बताओ. गुड अश्वथ, गुड यश. बाकी लोग गुड जोशवा. Tell me. One say root 5. The answer is 1 say root 5. ठीक है, किस तरह से हुआ? ठीक है, तो obviously 4 slope है. मेरा जो root of इसी के ऊपर मेरी सारी चीजें होती थी, यानी 4a² - b² > 0 होना चाहिए. एक मिनट. ठीक है. सो 4a² - b² > 0. तो इससे एक चीज मुझे मिली कि a² / b² > 4. या इसको अगर उल्टा करेंगे तो b² / a² > 4. एम आई करेक्ट? अच्छा, b² / a² क्या होता है? अगर मैं e के फॉर्म में देखूं, e इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 + b² / a², तो b² / a² क्या होता है? e² - 1. तो e² - 1 > 4. तो e² - 5 > 0. तो इससे आंसर आया e belongs to, अगर वेवी कर्व से देखोगे तो -√5 से √5. लेकिन ऑब्वियसली e कभी भी <coughs> less than 1 नहीं हो सकता. फॉर अ हाइपरबोला तो आंसर आएगा e belongs to 1 से √5. ठीक है, agree? Do you guys agree till this point? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? Got it? हाँ, great. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं. Tangents drawn from point C, D. Tangents drawn from point C, D to hyperbola x² / a² - y² / b² is equal to 1 makes angles alpha and beta with x-axis. If tan alpha into tan beta is equal to 1, find c² - d² value nikalo iski. Theek hai, karo. Tangent drawn from point C comma D to this hyperbola makes an angle alpha and beta with x-axis. If tan alpha into tan beta is equal to 1, find the value of c² - d² karo. 3-4 minute hai.
एवरीवन आंसर दो. एवरीवन आंसर दो. सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा आंसर आ रहा है. लोगों का सही आंसर आया. आंसर बताऊं, a square plus b square. ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे इसमें? इसमें सबसे पहले तो वही यूज करेंगे, y is equal to mx plus minus root of a square m square minus b square. Now पॉइंट क्या दे रखा है मेरा, c and d. तो d is equal to cm प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मैं m में एक क्वाड्रेटिक बना लूंगा, सबको ओपन किया, स्क्वायर किया, इसको ले जाके स्क्वायर किया, d माइनस सी एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो जब मैंने सॉल्व किया तो m में एक क्वाड्रेटिक बन गई, वो क्वाड्रेटिक क्या बन गई, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस टू सी डी एम प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. नाउ टेन अल्फा एंड टेन बीटा, इसका मतलब एम वन एंड एम टू, एम वन एम टू इज इक्वल टू वन दे रखा है. तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो जैसे ये वन दे रखा है तो मेरा आंसर सॉल्व हो गया. ठीक है, रीअरेंज कर देंगे तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन दो. फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला.
everyone, we have to find the equation of a hyperbola which have these two asymptotes as well as it passes through origin. Okay, so mujhko us hyperbola ki equation deni hai. Theek hai. एवरीवन आंसर निकालो इसका. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पूछा है जिसके दो एसिम्प्टोट्स दे रखे हैं एंड इट पासेस थ्रू ओरिजिन. तो एसिम्प्टोट्स और हाइपरबोला में क्या डिफरेंस था याद है? एक कांस्टेंट टर्म्स का ही डिफरेंस होता है. There is a difference of only the constant term. मतलब अगर ये L1 L2 है plus K is equal to zero, this would be my hyperbola. L1 L2 क्या है? Asymptotes, यानी 3x minus 4y plus 7. plus K is equal to zero. Obviously open करोगे ठीक है तो शायद ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स वाई प्लस सेवन प्लस के इज इक्वल टू जीरो. ऑब्वियसली इट पासेस थ्रू जीरो कॉमा जीरो. इट पासेस थ्रू जीरो कॉमा जीरो. तो जैसे ही मैंने जीरो कॉमा जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, 7 plus k is equal to 0, तो k is equal to minus 7. Obviously k is equal to minus 7, constant term cancel हो जा रहा होगा. तो जो मेरा asymptote होगा, वो only this part, sorry, मेरा जो hyperbola होगा, it would be this part. Got it? नेक्स्ट करें. ठीक है अच्छा. इसके बाद थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के देख लेते हैं. एक नॉर्मल की इक्वेशन आपको पता है? इसमें नॉर्मल की इक्वेशन पता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ax by sec theta plus by by tan theta is equal to a square plus b square. Am I correct? ठीक है. दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं चलेगा. एक दो क्वेश्चन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे देख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. ठीक है ठीक.
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? व्हाट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट टू, बेसिकली ए इज इक्वल टू बी. जिसकी भी इसेंट्रिसिटी रूट टू हो, दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, अब उसमें इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वुड बी द इक्वेशन. कुछ सिमेट्री टाइप की दिखती है, तो उसी को लोगों ने थोड़ा सा और 45 डिग्री पे टिल करके दे दिया, तो जानते हो वो इस तरह का कुछ फिगर बन गया, और जिसके लिए एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो काफी लोग एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बोल देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, बट मेरे लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो है जिसकी सेंट्रिसिटी टू है. पहला वाला भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दूसरा वाला भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. पहले वाले में एसिम्प्टोट्स x इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू माइनस वाई है 45 डिग्री वाले. दूसरे में एसिम्प्टोट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है, करेक्ट? दूसरे में एसिम्प्टोट्स मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस है. ग्रेट, आगे करें. वो सारे पॉइंट्स मैं नहीं दिखा रहा हूं कि पॉइंट मानना होता है सी टी सी बाई टी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर माइनस टू सी टी इज इक्वल टू जीरो, या मतलब अगर टी से डिवाइड कर देते हैं तो वाई टी इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस टू सी, मतलब मुझे भी याद नहीं रहती बट लिखा नहीं रहा हूँ नॉर्मल की इक्वेशन टी के टर्म्स में. वो सारी के सारी थ्योरी आपके पास लिखी होनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए, करेक्ट? तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है. इफ PN is perpendicular from a point on xy is equal to c square to x axis, find locus of midpoint of PN. If PN is perpendicular from a point on xy is equal to c square to x axis, then find locus of midpoint of PN. Obviously, P is the point on hyperbola and N is the perpendicular point, foot of perpendicular. ठीक है? तो मुझको locus बताओ. करो आंसर बताओ क्या होगा. लोकस क्या होगा? 2 मिनट है.
यश दो आंसर है कि एक आंसर है? ओके गुड, अजिंक्या करेक्ट है, बाकी लोग भी आंसर दो। सबसे पहले पॉइंट क्या ज्यूम करोगे, पी क्या ज्यूम करोगे, सी टी कॉमा सी बाई, अच्छा एन, जो एन इसका परपेंडिकुलर वाला पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, उसमें एक्स की वैल्यू तो जीरो सेम ही रहेगी, वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट को मैं एम मानू तो इन दोनों का बीच वाला सी टी कॉमा सी बाई टू टी, मुझे एलिमिनेट क्या करना है, टी एलिमिनेट करना है, सीधे सीधे इनको मैं यही तो एच हो गया, यही के हो गया, तो एच इंटू के सी स्क्वायर बाई टू। तो नोटिस करो ये भी एक हाइपरबोला ही आ रहा है, दिस इज अगेन अ हाइपरबोला, बस इसका इसेंट्रिसिटी सेम है कि चेंज है, ये भी एक हाइपरबोला है बट इसकी इसेंट्रिसिटी सेम है कि चेंज है। बोलो इसकी इसेंट्रिसिटी सेम है, ये भी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई टू, दिस इज अगेन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी सेम है, वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स इन सब की वैल्यू चेंज हो जाएगी बट इसेंट्रिसिटी फॉर ऑल द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज, ठीक है रूट टू। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट क्वेश्चन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स आवाज क्लियर आ रही है, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, टैंजेंट्स टू hyperbola and parabola make angles theta and phi respectively, then option main de raha hu, option 1 थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स माइनस टू टैन फाइव, ऑप्शन टू थीटा इज इक्वल टू हाफ टैन इनवर्स माइनस टैन फाइव, ऑप्शन थ्री थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स माइनस टू टैन थीटा, सॉरी phi इज इक्वल टू, उल्टा लिखा है, phi इज इक्वल टू, ये phi है, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस टू tan थीटा, एंड ऑप्शन फोर्थ phi इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स माइनस tan थीटा। एवरीवन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करो, आंसर बताओ, आंसर क्या है ए बी सी डी में, कौन सा ऑप्शन है?
Everyone, give me the answer of this. A, B, C, D में क्या है? हिंट दू वन टू थ्री फोर या ए बी सी डी सबसे पहले एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे x1, y1 क्यों एज्यूम किया? क्योंकि मुझे नहीं पता अभी के लिए कि मैं पैरामेट्रिक फॉर्म किसी एक का एज्यूम करूं, ठीक है? मुझको ये बताओ कि पैराबोला पे x1, y1 का टेंजेंट का स्लोप क्या होता था? लिखाया होगा पैराबोला पे टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट x1, y1 शायद 2a/y1 लिखा था ना, 1/t लोगों को याद है, 1/t लोगों को याद है, 2a/y1 प्रूफ होता था ना, डिफरेंशिएट कर दो प्रूफ हो जाएगा, सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो 2a/y1। तो तुमको ये समझ में आता है 2a/y1 इज इक्वल टू टैन थीटा, एग्री? ठीक है, xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां पे अगर कहीं पे भी अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है, चाहे तो तुम दूसरे मेथड से, या अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना होता तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं ना, x dy y dx प्लस यूवी रूल से ना, प्लस y इज इक्वल टू जीरो। तो तुमको ये समझ में आता है dy by dx इज माइनस y by x, यानी कि स्लोप क्या होगा, माइनस y1 by x1। दिस इज इक्वल टू Am I correct? क्या ये समझ में आ रहा है? tan 5 for parabola है कि tan वो है? अच्छा, मैंने शायद उल्टा लिख दिया है, ठीक है, शायद ये phi है और ये थीटा है, करेक्ट? सबको यहां तक क्लियर हुआ? तो अब मुझे tan थीटा और phi में एक रिलेशन चाहिए, तो मैंने tan थीटा by tan phi निकाला, tan थीटा by tan phi। देखो कैसे निकला, माइनस y1 by x1 अपॉन 2a y1, तो माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन 2ax1। अच्छा, x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन पैराबोला, तो y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन पैराबोला, तो y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो तुमको ये समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू -2 आ रही है, tan थीटा by tan phi की वैल्यू -2 आ रही है। क्लैरिटी हुई इसमें? तो कहीं ना कहीं देखो, सॉल्व करके आंसर ए है, A is the answer, theta is equal to, या tan theta is equal to -2 tan phi, theta is equal to tan inverse -2 tan phi, ठीक है?
क्लियर हुआ? ठीक है ठीक है, चलो आई थिंक आज के लिए डन हो गया है। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा है, हर चीज रिवाइज कराना पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ कुछ चीजें मैंने करा दी है। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जेई मेन है, ठीक है, गॉट इट? ठीक है, हाँ सोहम, नेक्स्ट वीक, ठीक है चलो एवरीवन, मिलते हैं जल्दी, वापस आप लोगों से मिलता हूं मैं जल्दी से, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। पीवाईक्यूज मेंस के लिए मोस्टली आप लोग पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना बार बार लगाएंगे आपको मेंस उतना अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है, तुम्हारा फोकस पीवाईक्यूज के ऊपर होना चाहिए, सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करो। हाँ सो हम लॉक है वो अंदर, चलो बाय बाय एवरीवन।